ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जिसने 13 सालों तक अफ्रीका के सरजमी पे राज किया। ये एक योद्धा था जिसकी दहाड़ मिसाल थी ताकत की। परिवार का रखवाला, बच्चों का पिता और एक भाई होने के साथ साथ ये उन सब का हीरो भी था। ये शेर और कोई नहीं बल्कि अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ की पहचान सेसिल है। लेकिन साल 2015 में सेसिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे न केवल अफ्रीका बल्कि दुनिया भर से लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। तो आखिर कौन है सेसिल और क्या है इसकी पूरी कहानी, देखेंगे इस कमाल के वीडियो में। ये साल था 2002 का, जब जिम्बाब्वे के हुएंगवा नेशनल पार्क में एक नन्हा शेर पैदा होता है। आगे चलकर इसे ही दुनिया सेसिल के नाम से जानने वाली थी, लेकिन फिलहाल तो इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है और अभी ये सिर्फ खेलना कूदना और अपने भाई लिएंडर के साथ शैतानियां करने में ही लगा रहता है। इस छोटी सी उम्र में भी सेसिल बाकी शेरों से बिल्कुल अलग नजर आता है। ये ना तो किसी से डरता है और ना ही कभी बेमतलब का रिस्क लेता है। शेरों की दुनिया में बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होने तक जिंदा रह पाते हैं, और आगे चलकर सेसिल भी उन्हीं में से एक होगा। इसकी माँ इसे ढेर सारा प्यार देती हैं और इसके पिता चुपचाप इसकी सभी शैतानियों को सह जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो वक्त भी आया जब सेसिल को जीवन की कठिनाइयों का पता चलने लगा। लेकिन इस वक्त भी दोनों भाइयों की शैतानियां जरा सी भी कम नहीं हुई। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इन दोनों में चलती तो सेसिल की ही है, आखिर ये बड़ा जो है। और अपने भाई से बड़ा होने के कारण सेसिल में बचपन से ही लीडर के सभी गुण आने लगे थे। यहाँ तक कि जब बात शिकार की आती है तो वहाँ भी लिएंडर सेसिल के खा लेने के बाद ही खाता है। अब तक तो सेसिल और लिएंडर के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन इनकी माँ का निधन हो जाता है। इससे ये दोनों भाई एकदम टूट जाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा शौक तो इन्हें अब लगने वाला था। दरअसल क्योंकि अब ये कुछ बड़े हो चुके हैं तो इसीलिए इनके पिता इन्हें अपनी गद्दी के लिए खतरा मानने लगे हैं। और फिर एक दिन जब सेसिल प्राइड के साथ टहल रहा था तभी इसके पिता इस पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते उनका हमला काफी घातक होता जाता है और सेसिल बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा पा रहा होता है। माँ के जाने के बाद अब परिवार का कोई भी इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, और इन सब के कारण सेसिल और लिएंडर को अपने इकलौते घर को छोड़कर जाना पड़ता है। बचपन से जिस प्राइड को ये दोनों अपना परिवार मानते थे, आज उन्होंने इसे त्याग दिया है। इस हताशा के दौर में बस एक ही चीज अच्छी है और वो ये है कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। समय बीतने लगता है और ये दोनों अपने पुराने घर के बाहरी इलाके में चुपचाप रहने लगते हैं। लेकिन इसके पिता को तो इतना कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं मिला था और वो दोनों भाइयों को यहाँ से भी भगाने के लिए आ जाते हैं। सेसिल और लिएंडर को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी इनके जिंदगी में चल क्या रहा है, और ना ही इन्हें ये पता था कि अब आगे ये कहाँ जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हें इस जगह को छोड़कर जाना ही पड़ता है। दिन बीतने लगते हैं और दोनों भाई सवाना में इधर से उधर भटकते रहते हैं। एक वक्त था जब इन्हें कभी भी भूखा पेट नहीं सोना पड़ता था, लेकिन अब तो इन्हें जूठा खाना भी किस्मत से ही नसीब होता है। ये इस तरह से स्कैवेंजिंग करके अपना पेट तो भर सकते हैं, लेकिन इस दौरान इनके ऊपर खतरे भी बहुत ज्यादा होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ये जहाँ भी चले जाए वो किसी ना किसी बड़े शेर के इलाके में घुस बैठ ही होगा, और अगर वो शेर इन्हें देख ले तब तो आगे क्या होगा वो ऊपर वाला ही जाने। वैसे यहाँ पे बस इन्हें दूसरे शेरों से ही खतरा नहीं है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सेसिल और लिएंडर को एक जिराफ की महक आती है और उसका पीछा करते करते ये उसके कारकस के पास भी पहुंच जाते हैं। अपने परिवार से अलग होने के बाद ये आज पहली बार इतना बड़ा शिकार देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये अपना पेट भरने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ पे जंगल के सबसे डरावने जीव पहुंच जाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि लकड़बग्घों का एक झुंड है। सेसिल और लिएंडर अभी इन लकड़बग्घों का सामना नहीं कर सकते हैं और इसीलिए भूखा होने के बावजूद भी इन्हें ये खाना छोड़कर पीछे हटना ही पड़ता है। इस घटना के बाद इन्हें ये अच्छे से समझ आ चुका है कि इन्हें खुद से शिकार करना सीखना ही होगा, और रात होते ही ये दोनों अपने पहले शिकार में लग भी जाते हैं। इसके लिए ये एक बफेलो हट को चुनते हैं और उन पर धावा बोल देते हैं। रात के अंधेरे में अपने तरफ दो शेरों को आता देख बफेलोज में भगदड़ मच जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद बफेलोज समझ जाते हैं कि ये दोनों भाई अभी नौसिखिए हैं, जिसके बाद ये सेसिल और लिएंडर पर एक जोरदार पलटवार कर देते हैं।
लेकिन इसी बीच बफेलो हट से कुछ दूर पर सेसिल एक छोटे से बफेलो को धड़ दबोचता है और लिएंडर भी तुरंत आकर इसका मुंह बंद कर देता है, जिससे बाकी के झुंड को इसके बारे में पता ना लगे। आज भले ही इन्होंने बहुत छोटा शिकार किया है, लेकिन इससे इन्हें आगे के लिए बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। कई महीने बीत जाते हैं। अब ये दोनों भाई शिकार में एकदम माहिर हो चुके हैं और इसके साथ ही ये अपने पिता के तरह ही विशालकाय शरीर के मालिक भी बन चुके हैं। आज का ये दिन इनके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज ये राजा बनने की तरफ अपना पहला कदम उठाने वाले हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे उत्तर में एक बूढ़े शेर का राज है। अब ऐसा नहीं है कि इसे युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है, लेकिन अकेले सेसिल और लिएंडर जैसे ताकतवर शेरों के सामने टिक पाना इसके लिए असंभव है। और अब उस बूढ़े शेर को हरा देने के बाद फाइनली सेसिल और लिएंडर के पास अपना खुद का किंगडम आ चुका है। लेकिन अभी इन्हें यहाँ के प्राइड का राजा बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। दरअसल यहाँ की शेरनिया पूरे हुएंगवा की सबसे माहिर शिकारी हैं, और ऐसे जाबाज शिकारी होने के नाते ये अपना राजा बहुत सोच समझ कर चुनती हैं। अगले कई दिनों तक सेसिल और लिएंडर उनके साथ साथ ही रहते हैं, जिसके बाद फाइनली वो इन्हें अपना राजा स्वीकार कर ही लेती हैं। समय का पहिया घूमता है और एक साल बीत जाता है। सेसिल के इस नए घर में कुछ नए सदस्य भी आ चुके हैं। एक समय पर सेसिल भी इन्हीं के जैसा था, और आज अपने बच्चों को देखकर सेसिल को इस बात का एहसास हो गया है कि वाकई में वक्त पलक झपकते ही बीत जाता है। इस बड़े से परिवार को अपना पेट भरने के लिए शिकार भी बड़ा ही करना होगा, और इसीलिए ये बफेलोस का शिकार करने का सोचते हैं। सेसिल और लिएंडर बफेलोस के शिकार में बिल्कुल माहिर हो चुके हैं, और यहाँ भी ये झट से एक बफेलो को दबोच कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। इतना खाना पूरे परिवार के लिए भरपूर है। भरा पेट, साथ में अपना प्राइड और पैरों के पास खेलते अपने बच्चे, अब सेसिल और लिएंडर को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए था। इसीलिए अभी ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। इस पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं जो इनसे भिड़ने की गलती करेगा, लेकिन ये बात बाहर वालों पे लागू नहीं होती है। सेसिल के इलाके में एक नया खतरा आ चुका है। ये चार शेरों का एक कोएलेशन है, जिसका लीडर जेरिको नाम का एक दमदार शेर है, और यहाँ आने के तुरंत बाद ही जेरिको दहाड़ कर सेसिल और लिएंडर को चुनौती दे देता है। सेसिल और लिएंडर अपने से कम उम्र के शेरों के सामने झुकने वाले नहीं थे, और इसीलिए ये भी इस चुनौती का जवाब देने के लिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों भाई चारों घुसपैठियों से भिड़ जाते हैं, जहाँ दोनों को अकेले दो दो शेरों से लड़ना पड़ता है। सेसिल तो अकेला ही इन दो शेरों पे भारी पड़ने लगता है, और कुछ ही देर में ये इन दोनों को बहुत बुरी तरह से घायल भी कर देता है। इसके बाद ये अपने भाई लिएंडर की मदद करने चल देता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद सेसिल को अपने सामने जो दिखता है उससे इसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसका भाई लिएंडर बेजान धरती पे पड़ा हुआ था। इन दोनों भाइयों ने दुनिया में आने के बाद से अब तक जो भी किया था वो एक साथ ही किया था। एक तरह से सेसिल के लिए इसका भाई ही इसकी दुनिया थी, और इसीलिए अपने भाई के जाने के बाद सेसिल को कुछ समझ नहीं आता है, और ये घायल अवस्था में ही अपने किंगडम को छोड़कर जाने लगता है। घायल और अकेला, अक्सर ऐसे शेर ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाते हैं। वैसे अब जेरिको के भी बस दो ही भाई जिंदा बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सेसिल के प्राइड पे कब्जा करके इसके सभी बच्चों को मार देता है। पर अभी इन्होंने अच्छे से अपना राज कायम किया भी नहीं था कि इतने में ही कुछ शिकारी जेरिको के दो भाइयों की जान ले लेते हैं, और इन सब के बाद जेरिको भी बिल्कुल अकेला हो जाता है। एक अकेले शेर के लिए प्राइड को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए जेरिको भी यहाँ से गायब हो जाता है। दो जाने दुश्मन जिनके भाई अब नहीं रहे, और ये दोनों ही कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। इनके कमी से पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि एक दिन घनी झाड़ियों के बीच से एक काले आयालू वाला बड़ा शेर शान से सबके सामने आता है। इसके शाही अंदाज को देखकर ये साफ है कि ये सेसिल ही है, लेकिन ये अकेला नहीं है। तमाम उम्मीदों से उलट इसके साथ है जेरिको। एक समय पर ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है और अब इन्होंने एक दूसरे को भाई मान लिया है। अपने नए भाई का साथ मिलते ही सेसिल के अंदर राज करने की भूख फिर से लौट आती है, और ये तुरंत ही अपने प्राइड के तरफ चल देता है। इसका प्राइड सेसिल और लिएंडर को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इन दोनों को एक साथ नहीं देखा था। पर अगले कई दिनों तक इन्हें एक साथ देखते देखते उन्हें भी ये समझ आ जाता है कि इनका रिश्ता बदल चुका है। कई महीने बीत जाते हैं और सेसिल एक बार फिर से बाप बन जाता है।
ब्राइड की लगभग सभी शेरनियों ने बच्चों को जन्म दिया है और इनमें से ज्यादातर बच्चे सेसिल के ही हैं। इसीलिए वो सेसिल के तरह ही काफी बहादुर भी हैं। सेसिल अब उनकी शरारतों के लिए उनका पसंदीदा निशाना है और जैसे एक समय पर ये अपने पिता को तंग किया करता था, आज बिल्कुल वैसे ही इसके बच्चे भी इसे तंग करते हैं। सेसिल और जेरिको ने अपने जीवन में कई जानलेवा जंग लड़े हैं, लेकिन 24 बच्चों को सहना उन सब में से सबसे कठिन है। कई महीने बीत जाते हैं। अब सेसिल के कई बच्चे उस उम्र में आ चुके हैं जिसमें सेसिल को इसके घर से निकाला गया था। ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और ऐसे में ये कई बार छोटे बच्चों पे भी हमला कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ब्राइट की सभी शेरनियां तुरंत ही आगे बढ़कर उस बड़े बच्चे को सबक सिखा देती हैं। हालत की गंभीरता को देखकर सेसिल तुरंत ही सबको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बगल से जाते हाथी इसके इस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। ये हाथियों का एक बड़ा सा झुंड है और जैसे ही इस झुंड की नजर परिवार पे जाती है, वैसे ही ये उन पर बड़े हमलावर हो जाते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा खतरा तो छोटे बच्चों को ही है, क्योंकि वो आसानी से इन हाथियों के पैरों तले कुचले जा सकते हैं। पर यहाँ पर परिवार की सभी शेरनियां बड़ी ही बहादुरी से बच्चों को हाथियों से दूर ले जाती है। जेरिको बच्चों के पास ही रहकर इनकी हिफाजत करता है, तो वहीं सेसिल तो सीधा हाथियों के सामने ही जाकर खड़ा हो जाता है। इसे जंगल के सबसे बड़े जानवर का भी कोई डर नहीं है और इसीलिए ये हाथी यहाँ से पीछे हट जाते हैं। वैसे इन हाथियों ने अभी जो कुछ भी किया है उसका एक कारण है। दरअसल सेसिल और जेरिको इन हाथियों का शिकार करने के लिए बदनाम है। साल का वो महीना जब गर्मी अपनी सारी हदों को पार कर देता है, तब हाथी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अब वैसे तो इस हालत में भी अगर ये एक साथ रहें तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वहीं अगर कोई हाथी गलती से भी झुंड से अलग हो गया, तब तो सेसिल और जेरिको से उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक नन्ना हाथी अपने झुंड से बिछड़ जाता है, तब सेसिल और जेरिको मिलकर इसका काम तमाम कर देते हैं। ये पूरे परिवार के लिए एक दावत है, लेकिन वहीं दूसरे परिवार यानी हाथियों के लिए ये किसी मातम से कम नहीं है। हाथियों को पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये चिंगाड़कर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। सेसिल के अलावा बाकी का परिवार थोड़े देर के लिए पीछे भी हटता है, पर हाथियों के चले जाने के बाद ये वापस से दावत का लुप्त उठाने आ जाते हैं। सेसिल के हाल में ही जन्मे बच्चों में से 4 मादाएं हैं। आज इन्होंने पहली बार शिकार देखा है। ये चारों बहुत नाजुक हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी सुरक्षा करता है अफ्रीका का सबसे बड़ा शेर सेसिल। वेंगवा में शिकार पर पाबंदी है, इसीलिए सेसिल इंसानों को अपना दुश्मन नहीं समझता है, लेकिन कमाल के मींस और विशाल का शरीर वाले सेसिल के लिए यही चीज आगे चलकर जानलेवा बन जाती है। ये आखिरी बार है जब सेसिल का परिवार इसे देख रहा है। एक नए दिन की शुरुआत होती है और सेसिल कहीं भी नजर नहीं आता है। जेरिको उसे हर जगह खोजता है, उसे लगातार बुलाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे सेसिल की कोई खबर नहीं मिलती है। इसे जेरिको और परिवार का फ्यूचर बड़े संकट से घिर चुका है। दरअसल सेसिल अब इस दुनिया से जा चुका है और उसके साथ क्या हुआ ये तो बस इंसानी दुनिया को ही पता है। दरअसल 15 जुलाई 2015 की रात कुछ शिकारी सेसिल को एक एलिफेंट कार्कस का लालच देकर पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर ले गए, जहां पर उन्होंने जंगल के इस राजा को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बहुत जल्द ही सेसिल की मौत की खबर पूरी दुनिया को पता चल गई और इसे किस तरह से मारा गया था वो जानकर लाखों लोगों में गुस्से की लहर उमड़ पड़ी और बहुत से लोग सेसिल के सपोर्ट में सड़कों पे उतर आए। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के अगुवाई में इन लोगों ने कई दिनों तक प्रोटेस्ट किए। लोग उन शिकारियों से बहुत ज्यादा गुस्सा थे जिन्होंने धोखे से सेसिल को इतनी बेरहम मौत दी थी। इधर दूसरी तरफ दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और जेरिको तमाम मुश्किलों के सामने डट के खड़ा रहता है। ये जिस तरह से अपने भाई सेसिल के बच्चों की देखभाल कर रहा है, वैसा जंगल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसकी देखरेख में सेसिल की चारों बेटियां तेजी से बड़ी और ताकतवर होती जाती हैं। वेंगवा के वादियों में हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और तालाब के किनारे सेसिल की विरासत का एक नया अध्याय शुरू होता है। उसकी चारों बेटियां अब नन्ही बच्चियों से लचीली शेरनियों में तब्दील हो चुकी हैं और उनके साथ हैं सेसिल के ग्रैंड चिल्ड्रंस। 6 हफ्तों के ये बच्चे जिंदगी के तौर तरीके सीख रहे हैं। आगे चलकर वेंगवा पर इन्हीं का राज होगा। शेरों का ये परिवार तेजी से फल फूल रहा है। इन बच्चों की माएं कमाल की शिकारी हैं।
आज भी ये तालमेल से आगे बढ़ती हैं और शिकार के दौरान इनके बीच इशारों इशारों में ही बात भी हो जाती है। शिकार करते वक्त इनमें सेसिल की झलक नजर आती है। बेखौफ अंदाज और फुर्तीले शरीर की धनी ये योद्धा शेरनियों की अगली पीढ़ी है। यहाँ से पूर्व में चार नर शेर अपने जीवन का एक नया शुरुआत कर रहे हैं। ये सेसिल के पोते हैं और इनमें भी सेसिल का शाही अंदाज साफ साफ नजर आता है। सेसिल के मौत ने शेरों के इस धड़ल्ले से चल रहे शिकार को पूरी दुनिया के सामने ला दिया, जिसके बाद भारत समेत कई बड़े शेर आबादी वाले देशों ने शेरों को इनडेंजर्ड घोषित कर दिया, जिससे न जाने कितने ही शेरों की जान बच पाई। और इस तरह से सेसिल बना वो शेर जिसने दुनिया बदल दी। सेसिल के जैसे ही एक और शेर की कहानी देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए।